Let's learn and earn from your home. Learning with earning. इवेंट्स ऑफ प्लॉट का करेंगे किस तरह से हमने उसमें इवेंट्स डालने स्टोरी में और प्लॉट किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब प्लॉट क्या होता है कि उसमें आपकी कोई भी प्ले चल रहा है, नॉवेल, फिल्म या कोई भी चीज़ चल रही है, तो उसके अंदर आप उसको कैसे एक सीक्वेंस में चला रहे हो, उसमें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बीच में जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या कोई और किसी टाइप जिस टाइप की स्टोरी है उस टाइप की वो स्टोरी चल रही है, वो ये चीज़ आप लोगों ने अपनी स्टोरी में डालनी होती है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है कि अब जो बहुत से राइटर्स होते हैं वो वैसे तो खुद से ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप किसी के लिए स्टोरी लिख रहे हो तो वो आपको बताएंगे कि हाँ ये इस तरह का होना चाहिए, या अगर आपको किसी ने स्टोरी दी है कि भाई इस वाले जेनर पे लिखें, मतलब जैसे फिक्शन लिखें या फैंटेसी लिखें या इस टाइप की, तो आपको बता देंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्टोरी में किस तरह का प्लॉट होना चाहिए, किस तरह से आपकी स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आपका ये होता है कि मतलब अगर एक बंदा बहुत छोटी सी स्टोरी लिख रहा है तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर एक कंप्लीट स्टोरी लिखी जा रही है कोई भी किसी भी किस्म की, तो उसमें तो आपको एक मतलब सीरीज बनानी पड़ती है कि उसमें इवेंट्स हो उस स्टोरी जो भी चल रही है, तो उसमें आपने इस तरह से करना है कि अब एक अगर मतलब आपके पांच कैरेक्टर्स हैं तो उन पांच कैरेक्टर्स में से दो तो मेन होंगे, क्योंकि सबसे कम अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो दो तो मेन होंगे। अब दो मेन कैरेक्टर्स चल रहे हैं तो उनकी अब इतने इवेंट्स होने चाहिए कि वो इंटरेस्टिंग हो, वो ये बात है कि एंगेजिंग रखना है आपने जो भी आप अपनी स्टोरी लिखोगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वो जो एस्टर ली वाला चल रहा था उसमें ये है कि अब यहाँ पर हम लोगों ने एक मतलब उसका एसली का कैरेक्टर ऐसा था कि वो एक एंटी सोशल टाइप बंदा है और वो वहाँ पे टेलीस्कोप लेके देखता रहता है, तो उसे फिर जो है वो एलियंस नजर आएंगे या स्पेसशिप टाइप कोई चीज़ नजर आएगी, मिशन ही आंसर किया है कि उसको एलियंस मिल जाते हैं। तो अब ऐसा है कि अब हमने अगर एलियंस इसमें डालने हैं तो उसमें अब क्वेश्चन ये होंगे कि एलियंस कहाँ पे आके उतरेंगे, क्यों वो आए, क्यों है उनके आने का, जायज बात है कोई ना कोई तो मकसद होगा, और वो इसी वाली जगह पे क्यों आए हैं, और मतलब सबसे पहले एस्टर उनसे मिला है या उसने जाके उनसे बात किया या किसी और के थ्रू एस्टर को पता चला है कि हाँ एलियंस आ गए, या वो अपनी टेलीस्कोप से देख रहा था तो उससे पता चला है कि हाँ एलियंस आ रहे हैं, या वो स्पेसशिप उसे नजर आई है फिर वो उसको फॉलो करता हुआ गया है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आप उन्हें एलियंस को वहां पे लैंड करा के उससे बातचीत कराना चाहते हैं, या आप उनको कुछ डेंजरस किस्म का शो करना चाहते हैं कि भाई ये जो एलियंस हैं कुछ डेंजरस है, यहाँ पे किसी और प्लान्स हैं लाइक जैसे मुल्क को तबाह करने की साजिश है और वहां पे रूल करने का इस तरह से। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से स्टोरी जिस तरह से आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप बनाएंगे। अब आपने क्या करना है कि वैसे मैंने तो इसमें इवेंट्स जैसे आपने एट करेक्टर्स किए हैं, उसका एट इवेंट्स भी हैं कि किस तरह से होने चाहिए, तो वो मैंने सेट किए थे। खैर उसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए और देन अब आपने मतलब मेजर इवेंट्स उसमें डालने और उसके बाद उनको ब्रेक डाउन कर देना है कि किस तरह से इवेंट चल रहा है। जैसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अगर एक बंदी का हम लिख रहे हैं, किसी भी बंदी का हमने लिखा है कि वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है बार बार, मतलब वो अपने उसी दुनिया में रहती है, वो मतलब एक जो रियलिटी चल रही है वो तो चल रही है, अब समझे कि रियलिटी बहुत कह लें कि उसके लिए अच्छी नहीं है, उसको नहीं वो बिल्कुल भी पसंद आ रही है, कोई बहुत ही हार्श किस्म का सीन चल रहा है उसका। जैसे अगर आप कह लें कि कोई जंग चल रही है और वो उस सारे सीन से बचना चाहती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अब उसको इस तरह तो नहीं लिख सकते ना कि एक तरफ जंग चल रही है एक तो वो सीन चल रहा है, आपने उसको भी डालना है एंड देन एक वो अपने उसमें फैंटेसी वर्ल्ड में जाए, यकीनन वो बहुत अच्छा होगा जिसमें वो अपनी सोचों में चली जाती है, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो अब
इस चीज को लिखने के लिए ये नहीं है कि आपने एक साइड से स्टार्ट किया है कि हाँ भाई जंग चल रही है, बहुत बुरा सीन है और ये लोग कैंप में बैठे हैं और बंदी जो है वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है अचानक से, तो अब वो उस सारे सिनेरियो को वहां पे डिफाइन करना है कि अगले को समझ आए कि वो क्यों जा रही है और वो कैसे जा रही है, क्या चीज है जो उसको वहां पे लेके जाती है। लाइक ये तो नहीं है कि एक साइड पे फायरिंग वगैरह हो रही है और वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में कोई भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से मैनेज करना होता है एक्शंस को, किसी भी कोई भी इवेंट चल रहा है ना उसमें डिफरेंट टाइप के डालना होता है। अब आप इस तरह भी डाल सकते हो कि वो कोई खाने का टाइम हो गया जैसे, तो वहां पे वो फिर अपने सोचों में चली जाती है कि जब हालात ठीक थे, या तो इस तरह का कि जब हालात ठीक थे तो वो क्या करती होती थी अपनी फैमिली के साथ, या तो ये सीन हो सकता है कि वो इन सोचों में चली जाती है, या फिर इस तरह का सीन हो सकता है जैसे वो किसी जैसे परियों वाले सीन में चली जाती है, बिल्कुल ही अलग, जो बिल्कुल रियलिटी से बहुत दूर है उस वाले सीन में चली जाती है, वो तो वो फिर एक अलग ही होता है कि हाँ वहां पर अगर वो खाना वगैरह का सीन होगा, मतलब खाना खा रहे हैं तो वो किस तरह से खाएगी, उसके साथ फिर फ्रेंड्स होंगी उसकी वहां पे और फिर वो उड़ भी सकती होगी एंड ऑल, इस तरह का सीन डालना होता है। तो उसमें उसको डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सारे मतलब एक सीरीज डालनी होती है कि किस किस तरह से वो जा रही है उसमें, तो ये वाली सारा आप लोगों ने उसमें ऐड करना होगा, आप कुछ भी जो है वो वहां पे डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एस्टर वाला सीन है इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले जो है हमने एक डाला है कि भाई सबसे पहले एक लोकेशन डाल दी है कि भाई पार्क है एक कोई, मतलब कह रहे हैं कि जहाँ पे कोई भी नहीं होता वहां पे, इस तरह की फीलिंग आ रही है कि कुछ स्ट्रेंज होने वाला है वहां पे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ये देख रहा होगा अगर अपने टेलीस्कोप से, तो इसको फिर नजर आएगा कि वहां पे स्काई में कुछ मूवमेंट हो रही है, और फिर वो उसी वाले पार्क में जाके लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कोई उन्हें देख ना सके, और फिर वो अपनी टेलीस्कोप से यकीनन वो देख लेता है वहां पे। तो फिर वो सोच रहा होता है कोई उसकी बात मानेगा या नहीं मानेगा या क्या होगा, या फिर आप ये तीन अब मतलब सीरीज ऑफ एक्शंस डाल दी हमने कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पहले लोकेशन डाल सकते हैं, देन बता सकते हैं कि भाई वो लैंड हो रहा था स्पेसशिप, देन एस्टर ली को दिखा सकते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एस्टर ली पहले बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि भाई टेलीस्कोप से देख रहा है और सोच रहा है कि भाई क्या हो अगर मुझे कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, मेरी तो लाइफ ही चेंज हो जाए, और देन उसके बाद उसको बताया, देन सीन टू डाल सकते हैं, देन सीन वन डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की मर्जी होती है हम किस तरह से स्वैप करते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं। आप एक मतलब जैसे कि अभी सीन वन है, सीन टू है, सीन थ्री है, इस तरह से भी लेके चल सकते हो, पहले सीन वन मतलब सीन थ्री को सीन वन बना दे, सीन टू को फिर सीन टू रहने दे, या सीन वन जो है अभी उसको सीन टू कर दे, ये आप लोगों की मर्जी होती है आप किस तरह से करें। ठीक है, आप अपने माइंड में सीन्स रख सकते हैं और उनको जिस तरह से भी आप डिस्क्राइब करना चाहें, क्योंकि अगर एक जो स्टार्टिंग होती है जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखें, जैसे आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में लिखने लगे हो, तो आप लोग जिस तरह से अभी दिया हुआ है, तो अच्छा अब आपको जिस तरह से दिया गया, जैसे आप लोगों के माइंड में आया है कि हाँ भाई एक लोकेशन देनी है कि बिल्कुल मतलब शाम का टाइम है या रात का बिल्कुल टाइम है, और उसके बाद वहां पे स्पेसशिप आई है और फिर एस्ट्रेलिया देख लिया, ये आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करो। लेकिन जब आप बहुत अच्छा लिखने की सोचते हो, तो फिर आप अपने रीडर्स को जो है इस तरह से इंगेज रखते हो, आप पहले का वाक्य जो है वो बाद में रखते हो और बात का पहले करते हो और फिर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब मैं आपको इधर एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि एग्जांपल से काफी ऐसा समझ आता है, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक एग्जांपल है कि एक स्टोरी दी गई थी, ठीक है, सुपर पावर्स थी वो लड़कियों की, तो उसमें मुझे डिफाइन करना था कि सुपर पावर्स जो है वो उनको कैसे मिली है। तो अब मुझे अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूं कि हाँ भाई बिल्कुल लाइफ नॉर्मल जा रही है एक बंदी की, और वो कॉलेज में पढ़ रही है और बिल्कुल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल उसकी चल रही है, और अचानक कुछ ऐसा हुआ है और उसको सुपर पावर मिल रही है, तो ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात हो गई, मतलब एक बहुत नॉर्मल सी चीज चल रही है। लेकिन उसको अगर आप बहुत ही मतलब इंगेजिंग टाइप का लिखने का सोच रहे हो, तो मैंने जिस तरह से लिखा था मैं उस तरह से बता देती हूँ कि एक बंदी है अभी, वो स्टार्ट मैंने ऐसा लिया कि एक सीन है जिसमें उसको ऐसा फील हो रहा है, वो बंदी सोच रही है कि भाई मैं अभी मैं अपनी मदर से मिल सकती हूँ या नहीं मिल सकती, अभी वो ये सोच रही है। अब आप लोगों के माइंड में क्या आएगा कि एक बंदी है वो ये सोच रही है, कि वो स्टोरी आप लोग अगर पढ़ रहे हैं
कि भाई बंदी सोच रही है कि मैं अपने माँ से मिल सकूंगी या नहीं मिल सकूंगी, अगर मैं मिलूंगी तो मुझे कैसा लगेगा और वो कैसे दिखती होगी। तो इन चीजों से पता चल रहा है कि वो अपनी माँ से कभी नहीं मिली क्योंकि वो ये सोच रही है कि वो कैसी दिखती होगी। ठीक है, अब वो यही सोचते सोचते और वो यही कुछ सोच रही है, फिर मैंने आगे बताया कि भाई ऐसा हुआ है कि उसकी मतलब सीन ऐसा है कि रात का टाइम है और उसको फील हो रहा है कि भाई अब वो बिल्कुल मरने वाली है। ठीक है, तो अब वो क्यों मरने वाली है, रीडर के माइंड में क्या आता है कि भाई वो एकदम से उसे क्या हुआ हुआ है कि वो सोच रही है कि वो मरने वाली है। देन फिर उसके बाद मैंने ये नहीं किया कि उस वाले सीन को डिफाइन कर दिया जाए, उसके बाद मैंने उसकी उस डे को डिफाइन कर दिया जिसमें उसकी नॉर्मल लाइफ डिफाइन हो गई कि वो चल भाई जा रही है, अपने कॉलेज गई है, वहां से वो पार्टी पे चली गई है, पार्टी पे गई है तो वो वहां पे इतना उसे मतलब इंजॉय किया उस पार्टी में। वो सोच रही थी कि भाई उसकी बाकी की फ्रेंड्स क्यों नहीं आई उनको, तो उनकी बाकी की फ्रेंड उसकी क्यों नहीं आई और उसकी पार्टी को जो है वो इंजॉय उसने इतना किया, उसकी फ्रेंड्स को भी इंजॉय करना चाहिए था, तो वो डेफिनेटली अपनी फ्रेंड्स को कहने वाली है कि जब हम नेक्स्ट पार्टी रखेंगे तो उसमें जरूर उसने उन दोनों फ्रेंड्स ने आना, उसके दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पार्टी से वापस आ रही है। अब वो पार्टी से वापस आ रही होती है तो अचानक वो सोचते सोचते जा रही होती है यही सारा कुछ, और फिर उसे अचानक कॉल आती है। तो वो कॉल को जैसे ही सेल उठाती है तो वो देख नहीं सकती कि सामने से एक और गाड़ी आ रही होती है और वो उसको बचाते बचाते वो बिजली के जो पोल में जाके वो गाड़ी को हिट कर देती है। ठीक है, तो ये चीज अब वो पहले का मैंने बाद में मतलब लिख दिया, अब ये चीज मुझे स्टार्ट में लिखनी चाहिए थी लेकिन मैंने उसको पहले ये डिफाइन कर दिया कि भाई बंदी जो है वो उसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और फिर मैंने लिखा कि भाई नॉर्मल ये डे चल रहा था और इस तरह से हो। अब इस तरह से कि रीडर को इंगेज रखा, पहले रीडर सोच रहा होगा कि भाई ऐसा हुआ क्या कि वो सोच रही है कि मैं अपनी माँ से, अब यहाँ पे मैंने बताया कि उसकी माँ बहुत पहले मर चुकी है, मतलब बहुत ही पहले, जब ये बहुत बिल्कुल ही छोटी सी थी इसने अपनी माँ को ठीक से देखा हुआ भी नहीं है, तो सबसे पहले इसको यही ख्याल आता है कि भाई कैसे मेरी माँ, मतलब मैं अगर मर जाऊंगी तो यकीनन मैं भी मरी हुई हूँ, मेरी माँ भी मरी हुई है, तो मुझे हम यकीनन मिलेंगे आपस में। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह जाके, जैसे हम कहते हैं हेवन, तो अब वहां पे जाके वो यही सोचे कि भाई मैं अपनी माँ से मिलूंगी। फिर अब करंट सीन डाल दिया जाए कि भाई करंट क्या चल रहा है, करंट यही चल रहा है कि वो यही सोच रही है क्योंकि वो उसकी माँ मर चुकी है और वो फिर अपनी माँ से मिलने के बारे में सोच रही है, और ये सोच रही है कि अभी वो मर जाएगी, कितनी देर में मरेगी और उसको बहुत पेन हो रहा है एंड ऑल यकीन। तो फिर जब वो अब मतलब उसका वो जब नेक्स्ट उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि रोशनी हुई हुई है, क्योंकि रात का टाइम होता है, वो सोच रही होती है कि अब वो किस जगह पे है, लेकिन वो देखती है कि वो जब उसके हवास वापस आते हैं तो वो देखती है कि वो अभी गाड़ी में ही है और वो उसी जगह पे है, उसकी गाड़ी उसी तरह से वहां पर हुई भी है जिस जगह पे वो रात को हिट हुई थी इधर। तो अब वो देख रही है और फिर वो सोच रही है कि भाई अब मैं तो यहीं पे हूँ और मैं जिंदा कैसे हूँ, मैं तो मुझे तो मर जाना चाहिए था, मुझे तो मैंने इतनी बुरी मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और फिर जब वो अपने मतलब हाथ हिलाती है, हाथ उठाती है या स्टेयरिंग की तरफ लेकर आती है, तो वो देखती है कि लाइटनिंग बोल्ट जो है उसकी हाथों से निकल रहा है, तो ये उसकी सुपर पावर हो गई कि भाई वो उसका जो भी मतलब उसको लगी थी और वो सारा कहने हील हो गया क्योंकि उसको सुपर पावर मिल गई है। अच्छा, अब ये लोकेशन वन है, मैंने बता दिया, फिर सीन टू है और फिर सीन थ्री है। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब ये अब स्पेसशिप उतर गया, अब एस्टन ने देख लिया है, मतलब अब क्या होना चाहिए, अगर मैं हूं और मैंने इस तरह से कोई स्पेसशिप देखी है तो मैं जाके मतलब जाके ये तो नहीं सोचूंगी कि भाई मुझे यूं करना चाहिए, मैं तो पहले तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि भाई ये लोग कुछ अजीब से लोग आ गए हैं और मतलब एलियंस है, कोई मतलब छोटी बात थोड़ी है, एलियंस आ गए हैं, क्यों आए हैं, पहले तो मेरे माइंड में ये आएगा। अब हर एरिया के लोगों की, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एरिया के लोगों की हर चीज पे डिफरेंट तरह का रिएक्शन होता है, अब अगर मुझे नजर आएंगे तो मेरा डिफरेंट तरह का रिएक्शन होगा क्योंकि मैंने जो चीजें देखी है, लाइक हम लोग अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोग अगर इस तरह से सोचे कि भाई क्या पता वो यहाँ पर किसी ने भेजे हो, क्या पता ये एलियंस ना हो, क्या ये स्पेसशिप अमेरिका ने हमारे पे भेजी हो या किसी भी दुश्मन मुल्क ने हम पे भेजी हो, क्या पता ये कोई जैसे कह लें कि ये कोई जासूस वगैरह है ना। अच्छा, तो फिर अब मैंने ये सोचा है कि भाई क्या पता ये किसी दुश्मन मुल्क में हम हमारे ऊपर मतलब स्पाई करने के लिए ये कोई भी लोग भेजे हैं। अब
अगर किसी और जगह के किसी और एरिया के लोग देखेंगे तो वो कुछ और समझेंगे, उनका रिएक्शन कुछ और होगा। और अगर पाकिस्तान में आप सोच लें कि किसी बहुत ही बैकवर्ड एरिया में लाइक गांव वगैरह का है, तो वो लोग फिर कुछ और समझेंगे, वो किसी और तरह का रिएक्शन है, क्या पता वो उनको मारने लग जाए। तो इस तरह का सीन होता है कि हर एरिया का डिफरेंट रिएक्शन होता है। अब उसके बाद ये है कि भाई हमने उसका वो पूरा जो भी सीन है उसको बताना है, जैसे आपको पॉइंट्स में लिखना होगा, आपको आपको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि भाई वो वहाँ पे सब बिल्कुल खामोशी हुई हुई है, और फिर पता चलता है कि भाई स्पेसशिप आ गया है, और फिर वो एस्टर ने देख लिया है, और फिर वो क्या करता है कि भाई वो जाता है पुलिस स्टेशन पे चला जाता है कि भाई बताने के लिए। तो अब पहले ही लोग उसको बहुत अजीब सा बंदा समझते हैं कि ये किस तरह का बंदा है। तो यकीनन वो लोग पुलिस भी समझेगी कि भाई ये तो बंदा पागल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मुझे आके जैसे अभी कोई कहे कि भाई स्पेसशिप उतरा है, मैंने देखा है, तो मैंने तो उसकी बात नहीं माननी क्योंकि मैंने खुद नहीं देखी हुई, या ऐसा कभी हुआ नहीं, या दुनिया में कभी ऐसा मतलब रिपोर्ट नहीं किया गया कि स्पेसशिप उतरी, तो मैं उसकी बात क्यों मानने लगूँ। मुझे तो लगेगा कि हाँ भाई ये फिल्में बहुत देखता है तो इसलिए आके मुझे ऐसी कहानी सुना रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है कि भाई क्यों आए हैं वो। ये मैंने बता दिया है कि पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। और अब उसके बाद ये तो वो जो मैप बनाया था उसके हिसाब से सेटिंग, और इसमें और क्या है मतलब अब हर चीज में आपने एक रिलेशन बनाया था, जैसे आप जो भी कैरेक्टर्स चल रहे हैं उनमें एक अलग रिलेशन होगा। जैसे अभी एस्टर में और पुलिस में अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा, मतलब एस्टर को पुलिस जो है वो पागल समझ रही है। इसी तरह इवेंट्स और लोकेशन में होता है कि किस तरह का इवेंट चल रहा है, जैसे कोई डिजास्टर है या अभी बिल्कुल रूटीन का चल रहा है, या जैसे अभी एक बिल्कुल रूटीन से हट के बात हुई है कि एक स्पेस से भाग गया, ये उसमें रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद हॉबीज वगैरह क्या होती हैं,